मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर और पुलिस पार्टी के ऊपर जो है दो तीन लोगों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। एनी हाउ हम एस्केप हो गए वहाँ से। फिर से दोबारा से इनको जो है एक वीक का और टाइम दिया गया है। यदि एक वीक का में यदि वो अप्लाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से कार्रवाई निश्चित है। इन दिनों मेवात में एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। दरअसल मेवात में कुछ समय पहले अवैध खनन माफियाओं ने एक पुलिस के डीएसपी के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं ताजा मामला उस समय देखने को मिला जिस समय जिला योजनाकार अधिकारी अपनी टीम के साथ अवैध रूप से चलाए जा रहे एक आरसीसी के प्लांट पर तोड़फोड़ करने के लिए गए थे, जहां पर अवैध रूप से प्लांट को चलाने वाले व्यक्ति ने डीटीपी के साथ झगड़ा ही नहीं किया बल्कि उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचलने का प्रयास भी किया। ये बात हम नहीं बल्कि वो पीड़ित अधिकारी मीडिया के सामने बयां कर रहा है। हमारी टीम पुलिस पार्टी के साथ जो है रेवासन गांव है के एमपी क्रॉस करके वहां पहुंची। रेवासन में एक आरएमसी प्लांट है जो कि अवैध चल रहा था और इसके जो है लास्ट ईयर जो है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तरफ से भी रिपोर्ट थी, बाकी विभागों ने भी कार्रवाई करी थी और इसको जो है हमने नोटिस वोटिस दे के दो दो नोटिस दे रखे थे और इसके ऑनर ने दो बार जो है हमें विरोध जताया, काफ़ी विरोध पहले भी किया गया था। 6-4 को भी मेरी टीम पहुंची थी, मैं साथ में था और इन्होंने काफ़ी विरोध किया, काफ़ी लोगों को बुलाया वहाँ पे और ऑब्स्टेकल काफ़ी किया। तो हमने उनसे लिखवा के लिया था कि 15 दिन का उनको फिर से टाइम दिया गया था कि जी 15 दिन में हम जो है सीएलयू अप्लाई कर देंगे। इन्हीं के बगल में है एक दुआ के नाम से है आरएमसी प्लांट, उसकी चेंज ऑफ लैंड जो परमिशन जो है वो डायरेक्टर महोदय की तरफ से ऑलरेडी ग्रांट है। एक और है जो कि उन्हें अप्लाई किया हुआ है लेकिन इसके बावजूद जो है ये एचएस के जो आरएमसी प्लांट्स था इन्होंने कोई अप्लाई नहीं किया। और मेरी टीम जब वहाँ पर पहुँची तो जो है इन्होंने कॉल करके कम से भी कम 10-15 गाड़ियाँ अननोन वहाँ बुलाई। मेरे ऊपर, मेरी टीम के ऊपर और पुलिस पार्टी के ऊपर जो है दो तीन लोगों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करी। एनी हाउ हम एस्केप हो गए वहाँ से, बच गए लेकिन थोड़ा सा वहाँ पे हमने कार्रवाई करी, डेमोलिशन भी किया लेकिन विरोध इतना ज़्यादा था कि जो है कार्रवाई बीच में थोड़ी सी स्थगित करनी पड़ी। इतना ही नहीं, प्लांट मालिक ने अपनी दबंगई दिखाते हुए सैकड़ों लोगों को प्लांट पर बुला लिया, जिसके बाद जिला योजनाकार अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी जिले के उच्च अधिकारियों को दी जिन्होंने मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने डीटीपी दस्ते के साथ बदतमीजी कर रहे लोगों को शांत कराया। हालांकि डीटीपी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके और बिना तोड़फोड़ किए ही टीम को वापस लौटना पड़ा। हालांकि डीटीपी का ये कहना है कि एक सप्ताह के बाद दोबारा से तोड़फोड़ की जाएगी। मेन जो एक्यूज हैं जी इसमें एक है मिस्टर हाजी शोराब करके हैं, एक इमरान खान हैं। इमरान खान जो हैं वो हाल फिलहाल एक मैडम सरपंच हैं, उनके ससुर हैं और इन्होंने 6-4 को भी मेरे डेमोलिशन प्रोग्राम में काफ़ी उपद्रव किया था, रोकने की कोशिश करी और अब की बार जो है और विरोध किया गया। तो खेड़ी कंकर के हैं ही हैं निवासी। इसके बावजूद जो है एक आज़ाद नाम के व्यक्ति और आए, अपने आप को कोई लीडर बता रहे थे। इसके साथ जो है एक हाजी शोराब जी का लड़का भी था और पब्लिक थी, कम से भी कम उन्होंने 60-70 लोगों को कॉल करके बुलाया और वहाँ पे मेरे साथ हाथापाई करी गई, मेरे स्टाफ के साथ हाथापाई करी गई, मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई, मेरे परिवार को मारने की धमकी। इसके बावजूद जो है फिर मैंने माननीय उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत करवाया, सूचना दी। इसके बाद जो है बाकी पुलिस फोर्स आई। फिर से दोबारा से इनको जो है एक वीक का और टाइम दिया गया है। यदि एक वीक का में यदि वो अप्लाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से कार्रवाई निश्चित है और इनके अगेंस्ट मैं FIR दर्ज करवाऊँगा, क्योंकि ये मामला कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा संगीन मामला है। हालांकि इस मामले में जिला योजनाकार विभाग अधिकारी ने करीब आधा दर्जन नामजद व करीब 50-60 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए एक लिखित शिकायत SP व DC नुहू को दी, जिस शिकायत में सरकारी कार्य में बाधा डालने, गाड़ी से कुचलने का प्रयास करने, जान से मारने की धमकी देने व अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। लेकिन देखना इस बात का होगा कि DTP की शिकायत पर उच्च अधिकारियों द्वारा
क्या कार्यवाही अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वर्धान, नुहू मेवात। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वर्धान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।